हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्यारा इंडिया पर। साथियों दोस्तों, आप लोग का जो पीजी कोर्स में एडमिशन लिए हैं एमए और मास्टर एमबीए के लिए, उन लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है और ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। मौलाना मजहरुल हक के वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। तो इसके लिए एक आवश्यक सूचना जो नोटिस जारी कर दिया गया है कि किस डेट से किस तक आपका अप्लाई डेट होगा और क्या क्या प्रोसेस है, उसके लिए नोटिस जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड आपकी आप लोग बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक करें। मेरा मेहनत का सिर्फ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इसी का फल मिलेगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी की तरफ से ये प्रभात खबर में न्यूज़ आया है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि 18 तक फरे परीक्षा फॉर्म जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म एमए और एमबीए का है, उसको आपको 18 तक भरना है, जिसमें एमबीए में आप कोर्स देख सकते हैं कौन कौन सा है। तो अरबी है, फारसी है, ये सब इस्लामिक, उर्दू, अंग्रेज़ी, एजुकेशन, ये सब कोर्सेज़ हैं और जो कि आपको 18 तक आप परीक्षा फॉर्म को भरना है। उसके बाद 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आपको विलम्ब शुल्क के साथ ये परीक्षा फॉर्म अप्लाई करना है और इसके द्वारा आपको वेबसाइट पर भी जानकारी दी गई है। तो हम वेबसाइट पर भी चलकर आपको नोटिस देखेंगे कि आया है कि नहीं कुछ। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि जो माइग्रेशन जो फर्स्ट ईयर 2020 में एडमिशन जो लोग लिए हैं उन लोगों को अपना माइग्रेशन जमा करना होगा, तो माइग्रेशन अपना जल्द जमा कर लें। तो चलिए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चलते हैं। यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर आने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है 8 तारीख को, इसी माह का है, जिसमें आपको दिया गया है कि पीजी कोर्स सेमेस्टर 1-3 जो कि आपका पीजी सेमेस्टर जो है, पहला सेमेस्टर जो है 2020-22 का है और सेमेस्टर 3 जो है 2019-21 का है, इसका फॉर्म अप्लाई होगा। जिसमें यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप एग्ज़ाम 10 तारीख से लेकर आपको 18 तारीख के बीच फॉर्म अप्लाई करना है और जो बिना लेट किए हैं उनको 615 रुपया लगेगा। अगर आप 18 तारीख के बाद अप्लाई करते हैं 19 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच, तो आपको 715 रुपया लगेगा, यानी कि 100 रुपया आपको लेट फी के साथ लगेगा। उसके बाद एमबीए कोर्स जो है, इसमें आपको देख सकते हैं कि सेमेस्टर 1 भी आपको 2020 से लेकर 22 तक का है और सेमेस्टर 3 आपका 2019 से लेकर 2021 वाले लोग का है, जिसमें आपको यहाँ पर जो फ़ी लगेगा इन लोगों का 10 से लेकर 18 तारीख तक एमबीए का, वह विदाउट लेट फीस के साथ 1850 लगेगा और लेट फी के साथ आपको 2350 रुपये लगेगा। इन लोगों का लेट फीस जो है एमबीए वाले लोग का 500 है। तो ये लोग का 19 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं एमबीए कोर्स वाले स्टूडेंट, तो उनको 2350 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, 500 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है जो कि आपको वेबसाइट के माध्यम से जाकर आपको कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब जानकारी दी गई है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।